नमस्कार, मी सुरेश चिरडे, आपण पाहतात महाराष्ट्र 24 न्यूज। आंतरराष्ट्रीय स्तरावर फ्रान्सच्या राष्ट्रपतीचा विरोध करावा याकरिता दिग्रजच्या मुस्लिम बांधवाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना निवेदन। मोहम्मद पैगंबर यांच्याविषयी विवादित पोस्टर छापणाऱ्या चार्ली हेब्दो या फ्रान्सच्या मासिकावर कारवाई करण्याऐवजी हा लेखकाचा वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा भाग मानणाऱ्या फ्रान्सचे राष्ट्रपती मॅक्रो यांना मुस्लिम समाजाच्या भावना दुखावल्याने फ्रान्सचे राष्ट्रपती मॅक्रो यांनी या विवादित पोस्टरचे समर्थन सुद्धा केले। इतकेच नव्हे तर मॅक्रो मुस्लिम समाजाविरोधात नेहमी विवादित वक्तव्य करतात, त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय मंचावर फ्रान्सचे राष्ट्रपती मॅक्रो यांचा कडाडून विरोध करावा याकरिता दिग्रजच्या मुस्लिम बांधवांनी नायब तहसीलदार संजय राठोड यांच्यामार्फत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना निवेदन दिले। मैसेंजर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो गुस्ताखी की गई है उसी के ख़िलाफ़ में आज ये निवेदन पेश किया गया है। हमारे प्रधानमंत्री, हम उनसे ये गुजारिश करते हैं कि वो आमली पैमाने पर, आलमी पैमाने पर इसकी मुखालिफत करे और इसका पुरजोर विरोध करे। मैं एक बात यहाँ पे कहूँगा कि जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे ना हो सकेगा कि नबी का जाहो जलाल देंगे। और खुली हवा के दिए कब के बुझ गए होते, खुली हवा के दिए कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो इन हवाओं के पर कतरता है। और सब उनके जलने वालों के गुल हो गए चराग, अहमद रज़ा की शम्मा फिरोज़ा है आग भी। ये हर वक्त जो सदी सदी पर फितने उभरते हैं, इनको दबाने के लिए, इनको ख़त्म करने के लिए, शैतानी ताकतों को दबाने के लिए, ख़त्म करने के लिए ज़रूर अच्छे लोगों ने सामने आना चाहिए ताकि मजहबी इंतशार ना हो और भाईचारा बने रहे। मैं ये दो लफ्ज़ बोल करके अपने लफ्ज़ों को इख्तिताम करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। आज डिग्रज के सभी शांतिप्रिय मुस्लिम भाई हमारे सन्माननीय तहसीलदार साहब के पास में आए, उनके द्वारा हमने हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब को एक निवेदन दिया। उस निवेदन में हमने ये कहा कि फ्रांस की एक मासिक पत्रिका है जिसका नाम है चार्ली हेब्दो, उस पत्रिका में हमारे आका, हमारे सरकार हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद पैगंबर साहब के बारे में अपमानजनक कार्टून निकाले गए, अपमानजनक लेख लिखा गया। उसके बावजूद भी वहाँ के राष्ट्रपति मैक्रो इन्होंने उस पत्रिका का और उस लेखक का विरोध करने के बजाय उस लेखिका का, लेखक का और उस पत्रिका का समर्थन किया और ये कहा क्या मोहम्मद पैगंबर साहब के बारे में लिखना, मोहम्मद पैगंबर साहब के कार्टून निकालना, ये उसका व्यक्ति स्वतंत्र है, अभिव्यक्ति अधिकार है। उनके इस वक्तव्य का तमाम दुनिया के मुसलमान विरोध कर रहे हैं, उसके साथ साथ इस भारत के मुसलमान भी उनके वक्तव्य का विरोध कर रहे हैं और उसके साथ ही डिग्रज के तमाम मुसलमानों ने उनके इस वक्तव्य का जाहिर निषेध किया है। इस निवेदन के मार्फत हम सम्माननीय नरेंद्र मोदी साहब से ये कहना चाहते हैं कि वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन का पुरखुलूस विरोध करें। इसी सिलसिले में हम सब मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और सम्माननीय तहसीलदार साहब को निवेदन दिया है। यावेळी मौलाना सैयद अबू जफर, मौलाना नूरखा, हाफिज सैयद जुनेद, सैयद ग्यासुद्दीन हजरत, सैयद अक्रम, सैयद उमर, मोहम्मद असलम चौहान, जाफर मनियार, सलीम खान, गफ्फार खान, सोहेल खान, फारूक पुंजानी, वजीर कोतमीरे यांच्यासह शेकडो मुस्लिम बांधव उपस्थित होते। अफजल खान, ऋषिकेश शिराजसह मी सुरेश चिरडे, महाराष्ट्र 24 न्यूज, दिग्रज यवतमाळ। आमच्या पुढील बातमीच्या अपडेट्स पाहण्याकरिता आत्ताच आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉनवरती क्लिक करा। धन्यवाद।